In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Ek Tha Tiger. दोस्तों मूवी एक था टाइगर जो रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2012 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, ये एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर और राइटर है कबीर खान, इसके प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा। बात करते हैं कास्ट की, इसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ ये दोनों इसमें लीड रोल में नजर आए थे, लेकिन इनके अलावा सपोर्टिंग रोल में काफी सारी कास्ट नजर आई थी। फिल्म को इंडिया में 3,300 स्क्रीन्स में इंडिया में रिलीज किया गया था और इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 550 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। दोनों को मर्ज करके, दोनों को इंक्लूड करके फिल्म को वर्ल्ड वाइड 3,850 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। फिल्म एक था टाइगर टाइगर फिल्म सीरीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसका साल 2017 में सीक्वल बनाया गया था जिसका नाम था टाइगर जिंदा है। अब इसके जो मेकर्स है, नाउ दे आर प्लानिंग टू मेक अ थर्ड इंस्टॉलमेंट जो शायद हो सकता है लास्ट और फाइनल इंस्टॉलमेंट, जिसका नाम हो सकता है टाइगर 3, और उसमें फिर से सलमान खान और कैटरीना कैफ ये दोनों नजर आ सकते हैं। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे हबीब फैसल। बात करते हैं फिल्म के कलेक्शन की। फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 198 करोड़ 78 लाख रुपीज का। इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 276 करोड़ 8 लाख रुपीज का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 58 करोड़ 31 लाख रुपीज की कलेक्शन की थी, और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 334 करोड़ 39 लाख रुपीज का। इसका बजट था 75 करोड़ का। अब 75 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का जो भी कलेक्शन था, चाहे वो इंडिया का नेट हो या फिर इंडिया से बाहर का हो ओवरसीज का, अगर हम दोनों को इंक्लूड करके वर्डेड की बात करें तो फिल्म एक था टाइगर बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की, और इसी कलेक्शन के साथ ये साल 2012 की बॉलीवुड की फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। जो फिल्म थी नंबर 2 पर वो भी थी सलमान खान की, जिसका नाम था दबंग 2। अब बात करते हैं फिल्म के गानों की, तो फिल्म की गानों के एल्बम में टोटल 8 गाने थे। कुछ गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था साजिद और वाजिद की जोड़ी ने, और कुछ गाने कंपोज किए तो सोहेल सेन ने। गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे अनविदा दत्त, कोसर मुनीर और नीलेश मिश्रा ने। अवार्ड्स की बात की जाए तो फिल्म ने अलग अलग कैटेगरी में टोटल 10 अवार्ड्स जीते थे। 10 में से 3 अवार्ड्स जीते थे सलमान खान ने और 2 अवार्ड्स जीते थे कैटरीना कैफ ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।